हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज जो है हम लोग रिव्यू करने वाले हैं प्योर ईवी की ई प्लूटो 7G प्रो। तो गाइस सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हो ये हमारी स्कूटर और यहां पे कीज मैं आपको इसकी बता देता हूं। तो यहां पे आपको 4 फिजिकल कीज मिल जाती है इसमें और एक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे कुछ आपको कीज मिल जाती है जिसमें दो ही फंक्शन आपको मिलता है, एक तो है अनलॉक और दूसरा है लॉक। तो अभी जो है स्कूटर लॉक हो चुकी है। तो गाइस स्कूटर के फ्रंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 10 इंच का जो है कम्प्लीटली रिम मिलता है। 90x100 सेक्शन का आपको इसमें टायर देखने मिलता है और आगे जो है कम्प्लीटली आपको सबसे पहले टेलीस्कोपिक शॉक अब्सॉर्बर्स मिलते हैं। शॉक अब्सॉर्बर्स के यहाँ पे कवर है और आपको कम्प्लीट जो है यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने मिलता है जो कि काफी अच्छी ब्रेकिंग जो है प्रोवाइड करता है। और पीछे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ड्रम ब्रेक देखने मिलता है इसमें, मतलब फ्रंट में जो है डिस्क है और पीछे जो है इन लोग ने ड्रम दिया हुआ है जो कि ब्रेकिंग को काफी अच्छी तरीके से बैलेंस करता है और ब्रेकिंग मेरे को ये स्कूटर का जो है काफी अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका कलर मुझे गाइस बहुत ही पसंद आ गया इसको। और इसका जो स्टाइल स्टेटमेंट है बहुत ही डिफरेंट लेवल है, एकदम रेट्रो सा लुक देता है और फिर भी ये जो है कम्प्लीटली मॉडर्न स्कूटर है। ऐसे ओल्ड स्कूल वाइब्स देने वाला स्कूटर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ तो और क्या चीज। और गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रंट में तो यहाँ पे इन लोग ने यहाँ पे इंटीग्रेट किए हुए इसके जो है साइड लैंप्स है और इसका साइड लाइट का जो प्लेसमेंट है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और ये बॉडी में ही इंटीग्रेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रो लिख के आता है, यहाँ पे प्योर ईवी का जो है लोगो है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हेडलाइट है। हेडलाइट के साइड में जो है आपको DRL मिलता है और बीच में जो है हेडलाइट मिलता है। यहाँ पे कंट्रोल्स के बारे में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर ईवी का ग्रिप आपको मिल जाता है जो काफी अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे ये डिपर बटन है, ये अपर बटन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हॉर्न का बटन है और ये बटन का जो प्लेसमेंट है मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और डायरेक्टली आप देख सकते हो हॉर्न का जो अर्गोनॉमिक्स है बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टली मैं इसको प्रेस कर सकता हूँ वरना हम लोग को यहाँ प्रेस करना पड़ता है। और यहाँ पे भी गाइज अगर आपको लाइट ऑन करना है, ये आप DRL ऑन हो गया या हमारा हेडलाइट ऑन हो गया तो ये ऑन और ऑफ करने के लिए भी काफी अच्छा दिया हुआ है। यहाँ पे भी इन लोग ने सेम फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग को 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट राइडिंग मोड, सेकंड राइडिंग मोड और ये थर्ड राइडिंग मोड। उसके बाद यहाँ पे आपको पार्क का बटन मिलता है, जैसे पार्क का बटन आप दबाते हो तो ये जो है कम्प्लीटली पार्क मोड से हट जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे तो नीचे इसका हॉर्न दिया हुआ है और यहाँ पे भी इन लोग ने हॉर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हॉर्न यूज कर सकते हो और यहाँ से भी आप हॉर्न यूज कर सकते हो। और गाइस इसको अभी मैं आपको इसका राइडिंग पोस्चर बता दूँ तो राइडिंग पोस्चर काफी अच्छा है ये स्कूटर का और एकदम कंफर्टेबल सीटिंग है। आप देख सकते हो सीट भी काफी अच्छा है और सॉफ्ट है। और इसके सस्पेंशन अगर मैं देखूँ तो इसको काफी टाइम अभी मैंने राइड किया हुआ है, काफी मजा आता है इसको राइड करने में और एकदम पेपी राइड है और एक्सेलरेशन जो है काफी अच्छा है ये स्कूटर का। तो गाइस यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ सामान वामान लगाने का जगह मिलता है, यहाँ पे कुछ ठेली वेली लगा सकते हो आप और यहाँ से जो है गाइस आप स्टोरेज स्पेस को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ रख सकते हो, यहाँ पे कुछ रख सकते हो तो काफी अच्छा इसमें आपको जो है स्टोरेज स्पेस देखने मिलता है। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आराम से जो है सिलेंडर आप रख सकते हो या कुछ भी अगर आपको जो भी सामान रहेगा वो रख सकते हो। यहाँ पे कोई हम्प आ जाता है, ओला में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम्प है, मतलब आप स्कूटर का जो प्रैक्टिकलिटी होता है वो ये स्पेस के वजह से काफी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ रख सकते हैं हम लोग, कुछ सामान रख सकते हैं तो ये जो है प्रैक्टिकलिटी होता है स्कूटर का जो इन लोग ने कायम रखी हुई है इसमें। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्लॉट इन लोग ने दिया हुआ है छोटा सा चार्जिंग का, यहाँ से आप जो है इसको चार्ज कर सकते हो। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैं ओपन कर दूं, यहाँ पे जो है कम्प्लीट आपको इसका जो है बैटरी यूनिट देखने मिलता है। अंदर जो है इसके स्पेस थोड़ा सा कम आपको देखने मिलेगा, तो ये 60 वोल्ट का बैटरी और 3.0 kWh की बैटरी है और ये कम्प्लीटली लिथियम आयन बैटरी आपको देखने मिलेगी, मतलब काफी ज्यादा लाइट वेट है और पावर भी जो है अच्छा प्रोवाइड करता है। और इसमें जो है गाइस आपको 3 कलर दिखने मिलते हैं, एक तो है व्हाइट, दूसरा है ग्रे और तीसरा है ब्लैक।
के पावर के मदद से और बैटरी के पावर के मदद से ये आराम से जो है 60 किलोमीटर पर आवर तक के टॉप स्पीड को जो है अचीव कर सकती है। और गाइस मैं ये मानता हूँ कि 60 किलोमीटर पर आवर तक का जो स्पीड है स्कूटर के लिए काफी इनफ है और ये स्पीड से ये जो है आराम से 150 किलोमीटर को आराम से कवर जो है कर सकते। तो गाइस रेंज के मामले में और स्पीड के मामले में गाड़ी जो है एक नंबर है। 150 किलोमीटर का आपको रेंज मिल जाता है, 60 किलोमीटर का टॉप स्पीड मिल जाता है और इसमें जो है गाइस आपको पार्क असिस्ट का भी फंक्शन मिलता है। अभी जो है मैं इसको लॉक कर देता हूँ, तो अभी ये लॉक हो चुका है और अभी हम लोग इसको चोरी करने का कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये चोरी हो पाती है या नहीं। तो गाइस इसको चोरी करने की कोशिश जो है मेरी पूरी रहने वाली है, लेट्स सी ये चोरी हो पाती है नहीं, क्योंकि पार्क असिस्ट जो है इसमें ऑन करके रखा हुआ है मैंने। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग इसको डबल स्टैंड से निकालेंगे। अभी आवाज करने लग गई है ये, आगे जाने ही नहीं दे रहा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कलर के साथ, ये जो ग्रे कलर है उसके साथ ये क्रोम गार्निशेस जो है काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रोम देखने मिलता है, ये फुटबोर्ड में आपको जो है कंप्लीट क्रोम देखने मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका लोगो भी क्रोम कलर का और यहाँ पे थोड़े बहुत क्रोम के ट्रीटमेंट्स आपको देखने मिलते हैं, जो कि क्रोम के साथ ग्रे कलर जो मिक्स होता है काफी ज्यादा इसको स्टाइलिश बनाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीछे के सेक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको अंदर जो है टेल लैम्प मिल जाता है, ये कंप्लीट हैलोजन है। फिर उसके साथ बॉडी में ही इंटीग्रेटेड है हमारे साइड लाइट्स, आगे भी जो है बॉडी में इंटीग्रेट किए, पीछे भी इन लोग ने बॉडी में इंटीग्रेट किया। और बॉडी का डिजाइन भी आप देख सकते हो काफी स्लीक और काफी जो है एकदम कर्वी और काफी अच्छा दिख रहा है ये बॉडी का डिजाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको की डालना है और यहाँ पे भी आपको जो है क्रोम के गार्निशेस देखने मिलते हैं। थ्रॉटल भी आप देख सकते हो, थ्रॉटल का स्विफ्ट प्ले भी काफी अच्छा है और थ्रॉटल भी इसका काफी स्मूथ है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो आगे पिलियन को पैर रखने के लिए भी जगह है और वुमेन्स लोग को पैर रखने के लिए इन लोग ने अलग से स्टैंड दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको राइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको अभी जो हम लोग राइड करने लेकर आ चुके हैं, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसको फर्स्ट मोड में मैं डाल देता हूँ। ओहो, इसका एक्सेलरेशन काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। तो गाइज ये स्कूटर को राइड करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है और मैंने इसको तीनों मोड में राइड करके देखा हुआ है। फर्स्ट मोड में भी राइड किया, सेकंड मोड में भी किया और थर्ड मोड में किया है। तीनों मोड में काफी अच्छा एक्सेलरेशन आपको मिलता है। फर्स्ट या सेकंड मोड आप जो है सिटी में यूज कर सकते हो और आप अगर हाईवे पे टच करते हो तो थर्ड मोड का जरूर यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 60 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड मिलेगी और टॉप स्पीड भी इजीली अचीवेबल है। फर्स्ट मोड में जो इसका स्पीड है वो 40 से लेके 45 किलोमीटर पर आवर तक का है और 150 का रेंज आपको इसमें मिलेगा। सेकंड मोड जो है इसका 50 से लेके 55 किलोमीटर पर आवर तक का इसका स्पीड है और 130 किलोमीटर का आपको रेंज मिलेगा। थर्ड मोड में जो है 60 से लेके 65 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड है और 105 किलोमीटर का आपको रेंज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मोड दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो फर्स्ट मोड, ये सेकंड मोड, ये थर्ड मोड। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका बैटरी परसेंटेज, यहाँ पे कितना किलोमीटर ये राइड हुआ है वो दिखा रहा है और इसका ऐसा कुछ कम्प्लीटली आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले। सो वही था गाइस आज के वीडियो के लिए, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो गिव इट अ थम्स अप। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट आउट टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।